हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने एमएसओ 2 की सीरीज़ में हम लोग जून 2019 का पेपर कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एग्ज़ाम एक दिन का ही गैप है, 24 को आपका एमएसओ 1 का है, 26 को एमएसओ 2 का है। तो साथ साथ में आज जितना कंटेंट, जितनी वीडियोज़ हम लोग कर पाएँ, एमएसओ 2 की भी कवर करके चलेंगे। एमएसओ 1 का आपका दिसंबर 2018 का मैं साथ साथ कवर करवा ही रही हूँ, अभी और वीडियोस भी डाल देंगे उसकी। देखिए, जल्दी की बात यह है, मैं आपको बता रही हूँ कि कंटेंट पहले से कहीं पे प्रिपेयर नहीं है। अगर प्रिपेयर होता तो एक साथ ही सारी वीडियोस कर लेते, प्रॉब्लम ही नहीं होती। कंटेंट रेडी करना पड़ रहा है, दैट्स वाई मैं वेट नहीं कर रही हूँ कि मैं 2-3 क्वेश्चन एक साथ कंटेंट रेडी करूँ, उसके बाद आपको इकट्ठे 3 दूँ। एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे रेडी होता जा रहा है, मैं तुरंत वीडियो अपलोड करती जा रही हूँ। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में, आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना भी ईजी नहीं है ये चीज़ें कि प्रॉपर सब कंटेंट एक जगह लिखना, देन वीडियो पोस्ट करके फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाके सब काम करना। स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपके एग्जाम तक प्रोवाइड करवा सकूँ। बस सुनिए, पढ़िए, लर्न करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ केस स्टडी? केस स्टडी क्या होता है, और आपको बताना है कि हाउ इट इज़ यूज्ड इन द सोशल रिसर्च, किस तरीके से ये सोशल रिसर्च में काम करता है। तो केस स्टडी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखो केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी में हम किसी भी चीज़ की जब इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, डेटा गैदर करना होता है, तो उसका एक क्वालिटेटिव मेज़र होता है। हमारे पास वैसे दो तरीके होते हैं कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जाननी होती है डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू, सर्वे में या इंटरव्यू में पूछ के आपको पता चल सकती है। एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में हम इन डेप्थ और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, या फिर सब्जेक्टिव बात करते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्टिव बात करनी हो तो इंटरव्यू या सर्वे टाइप में डायरेक्टली चीज़ें पता चल जाती हैं। सर्वे और इन सब चीज़ों में आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल कहानी नहीं पूछी जाती है, बट यहाँ पे वो चीज़ डिटेल में डिस्कशन की बात की जाती है। किसमें? केस स्टडी में। तो केस स्टडी जो है वो एक रिसर्च मेथडोलॉजी है। यहाँ पे ये बेस्ड है इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन में, डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है टॉपिक के बारे में। आपका जो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, वो आप यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करते हो। केस स्टडी में एक सिस्टमैटिक वे होता है लुकिंग एट अ इवेंट। सिस्टमैटिक मतलब इन सीक्वेंस में चीज़ें होती हैं। सीक्वेंस मतलब क्या, वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करा जाएगा, डेटा को क्लासिफाई करा जाएगा, मतलब सेम नेचर के डेटा को एक जगह पे अरेंज करना। क्लासिफाई मतलब क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। फिर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करोगे, और एनालाइज करने के बाद जो भी आपने ऑब्जर्व करा, अपने जो भी रिजल्ट है उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे। अब केस स्टडी जो है हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम एक्सप्लोर कर सके और इन्वेस्टिगेट कर सके। इन्वेस्टिगेशंस के लिए तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है? तो एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल, केस स्टडी अगर मेडिसिन में हम लोग कर रहे हैं, तो ये फोकस करेगी किसी इंडिविजुअल पेशेंट पे या एलिमेंट पे, उसकी बीमारी पे, जब आप मेडिसिन में मेडिकल से रिलेटेड केस स्टडी कर रहे हो। अगर आप बिजनेस में केस स्टडी कर रहे हो, तो हो सकता है हम किसी पर्टिकुलर फर्म की स्ट्रेटजी या मार्केट के एस्पेक्ट पे डिस्कस करें। हम किसी पॉलिटिकल वे में कर रहे हैं, तो हो सकता है हम किसी पॉलिटिकल एजेंडा को डिस्कस करें, या किस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, किस तरीके से वोट बैंक बढ़ाना है, कुछ भी ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो अब केस स्टडी कैन हाईलाइट नियरली एनी इंडिविजुअल। केस स्टडी में ये नहीं होता कि सिर्फ एक पर्सन की बात होगी या पूरे ग्रुप की बात होगी। यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल को भी हाईलाइट कर सकते हो, किसी ग्रुप को भी कर सकते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, कोई भी इवेंट, कोई केस, कोई बिलीफ, कोई सिस्टम, कोई भी एक्शन, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, पर्सन को, इंस्टीट्यूशन को, पूरे ग्रुप को, किसी भी चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हो। लाइक मैं कहीं पे गई थी, मैं वहाँ रही, मैंने पार्टिसिपेंट एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वहाँ पे ऑब्जर्व की कुछ चीज़, उसके बाद मैं प्रॉपर केस स्टडी प्रिपेयर कर रही हूँ उस जगह की लाइफस्टाइल को लेके। लाइफस्टाइल में सब करेंगे, आर्ट, कल्चर, फूड हैबिट्स, ये सब इंक्लूड करेंगे, तो वो भी एक टाइप की केस स्टडी हो सकती है। अब केस स्टडी कैन बी सीन एज अ फ्रूटफुल वे टू कम अप हाइपोथेसिस एंड जनरेट थ्योरी। केस स्टडी फ्रूटफुल हो सकती है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्म कर सकते हैं, और उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे ही आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, थ्योरीज जनरेट कर सकते हैं, जो कि फर्दर स्टडीज के लिए यूज की जा सकती हैं। केस स्टडी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हर बार केस स्टडी जनरलाइज सेंस में नहीं यूज कर सकते हो आप। क्लियर? अभी इसको आगे और जब प्रॉपर पॉइंट्स में पढ़ेंगे और देखेंगे इन सब पॉइंट को। केस स्टडी जो होती है वो नेचुरल एज वेल एज सोशल रिसर्च, दोनों जगह में, जो नेचुरल साइंस होती है और सोशल रिसर्च है, दोनों जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। अब किस तरीके से, क्वेश्चन में था ना कि किस तरीके से सोशल रिसर्च में यूज़ कर सकते हो, तो देयर आर द फॉलोइंग वेज या फॉलोइंग मेथड्स, जिस तरीके से आप इसको यूज़ करते हो। अब केस स्टडी मेथड इज़ वेरी पॉपुलर
फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस अभी बताया यहाँ पे कैसा एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है एंड इन्वॉल्व्स अ केयरफुल एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल यूनिट इन डिटेल, इन डेप्थ, और पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन होगा किसी सोशल यूनिट का. सोशल यूनिट में अगेन इंडिविजुअल, ग्रुप, ये कोई भी चीज़ हो सकती है. हमने वर्ड क्या यूज़ करा, कॉमन, सोशल यूनिट. अब जो ये आपकी केस स्टडी है इससे हम क्या करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं. मल्टी फेस्ड अंडरस्टैंडिंग होती है कॉम्प्लेक्स इशू की इन इट्स रियल लाइफ कंटेक्स्ट, मतलब रियलिटी में वो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, आप उसके जो भी उससे एसोसिएटेड मल्टीपल डायमेंशंस में प्रॉब्लम है उन पर डिटेल में डिस्कशन जो है वो केस स्टडी के थ्रू कर सकते हो. केस स्टडी जो होती है वो जनरली यूज़ की जाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में. देखो एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी मतलब एक्सप्लोर करना. अभी देखा ना केस स्टडी से हम एक्सप्लोर करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं. एक्सप्लोर मतलब नई नई और वेज, नई नई और तरीके, नई नई और मेथड्स को हम क्या करते हैं, पता लगा पाते हैं. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यूज़ करते हैं, मतलब यही होता है कि ये हेल्प करती है हमारी जनरेट करने के लिए न्यू आइडियाज़. अब ये एक इम्पॉर्टेंट वे है थ्योरी को एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट करने के लिए एंड कैन हेल्प टू शो हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सन लाइफ, किसी एक व्यक्ति के लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं वो आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं, ये भी एक केस स्टडी के थ्रू ही हम कर सकते हैं. देखो जब प्रॉपर बुक्स कराऊंगी तो केस स्टडी क्या है डिटेल में कुछ केस स्टडी का एग्जाम्पल भी उठा लेंगे, उनके बारे में बात भी कर लेंगे. अभी नहीं है टाइम तो कोई केस स्टडी मैं आपको यहाँ पे लिख के नहीं डिस्कस कर सकती हूँ आपके साथ. तो अभी बस परसों और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है वही टारगेट कर रहे हैं, बार बार ये याद दिला रही हूँ मैं. तो बच्चे जो ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि आप कुछ ये पॉइंट स्किप हो रहा है, ये पॉइंट स्किप हो रहा है, सो ठीक है, चीज़ें बहुत कुछ हैं, जब बुक में पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में. क्लियर? अभी एक आधी चीज़ें हैं तो पेपर के हिसाब से कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट भी चीज़ें करनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में क्या है, केस स्टडी जो है वो यूज़ की जाती है समवन जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है. देखो क्योंकि रिलायबिलिटी यही एश्योर कर सकते हैं, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री लाइक साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, दे पोजेस सम प्रोफेशनल डिग्री ना, तो ये स्टडी कर सकते हैं, ये रिसर्च कर सकते हैं चीज़ों के बारे में. ठीक है, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल भी हमने लिखा है सिगमंड फ्रॉयड. अब इनकी थ्योरी थी अलग अलग, वो थ्योरी नहीं डिस्कस कर रहे बट थोड़ी सी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि इन्होंने, फ्रॉयड ने क्या करा था, कंडक्ट करी थी एक इन्वेस्टिगेशन इनटू द प्राइवेट लाइफ ऑफ हिज पेशेंट, अपने पेशेंट की लाइफ पे. अब इससे क्या था, इससे दो चीज़ें थी, एक तो क्या हो रहा था ये अंडरस्टैंड भी कर पा रहे थे चीज़ों को जो बीमारी थी, और अपने पेशेंट का जो बीमारी थी उसको ओवरकम भी कर पा रहे थे, खुद समझ पा रहे थे और ओवरकम भी कर पा रहे थे, दोनों बेनिफिट इन्हें यहाँ पे मिल रहे थे. तो ये पॉइंट हम देख रहे हैं कि कैसे केस स्टडी सोशल रिसर्च में हमारी हेल्प करती है. इसी में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट आल्सो प्रोवाइड इनसाइट फॉर फ्यूचर रिसर्च. बताया था जब इनडेप्थ एनालिसिस करोगे या प्रॉपर थ्योरीज के लिए हाइपोथेसिस रेडी कर रहे हो तो वो फ्यूचर में और फर्दर रिसर्च में आपकी हेल्प कर रही है. अब रिसर्चर जो सिर्फ हु लुक इनटू द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो सिर्फ क्वांटिटेटिव मतलब मेजरेबल नंबर की बात करता है, वो कभी भी इंसाइट नहीं दे सकता सब्जेक्टिव डायमेंशन पे जो कि केस स्टडी दे रही है. मतलब जो नॉर्मल क्वालिटेटिव चीज़ें, क्वांटिटेटिव चीज़ें होती हैं, क्वांटिटेटिव चीज़ों में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में कभी भी इन डेप्थ एनालिसिस नहीं मिलता चीज़ों को लेके, सीधा टू द पॉइंट बात होती है. तो वो जो सब्जेक्टिव डायमेंशन है वो इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, साइको एनालिटिक चीज़ों के लिए और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट में, क्योंकि वहाँ पे डिटेल और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो होते हैं वो हमें कवर करने होते हैं. ठीक है, तो ये तो बेनिफिट थे, मतलब बेनिफिट कह सकते हो आप, ये कह सकते हो किस तरीके से यूज़ की जा रही हैं चीज़ें, वो पॉइंट था. क्वेश्चन में लिमिटेशन नहीं पूछा है बट स्टिल जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कुछ लिमिटेशन या क्या प्रॉब्लम होती है वो पॉइंट भी हम साथ साथ देखेंगे केस स्टडी में. ठीक है, कुछ लिमिटेशंस कह सकते हो या कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड, ये भी यहाँ पे कवर करेंगे. अब इसमें क्या है, ये यहाँ पे साइंटिफिक जो थिंकिंग होती है वो कम होती है, तो इट लैक यहाँ पे लैकिंग होती है साइंटिफिक रिगर की, और ये जो है एक प्रोवाइड लिटिल बेसिस फॉर जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट टू वाइडर पॉपुलेशन. बताया था मैंने आपको जनरलाइज नहीं है, मतलब कि केस स्टडी ऐसा नहीं है कि एक आपने जो केस स्टडी प्रेजेंट कर दी वो सब पे अप्लाई हो जाएगी, नहीं, ये थोड़ा स्पेसिफिक नेचर की होती है. आप जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जिस ग्रुप या जिस जगह को लेके बात कर रहे हो ये वहाँ पे जैसी अप्लाई हो रही है, ज़रूरी नहीं है ये दूसरी जगहों पर भी अप्लाई होगी. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ट्राइबल एरिया में विजिट करके मैं वहाँ की लाइफ स्टाइल वगैरह को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है हर जगह वही चीज़ जो है उसी तरीके से लाइफ स्टाइल जो है वो चल रहा होगा. तो पहले तो ये प्रॉब्लम. अब रिसर्चर की ओन फीलिंग जो होती है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है केस स्टडी को. मैं उस जगह पर रह रही हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया, अब जो मेरा थॉट प्रोसेस था या मेरी प्री नॉलेज थी, थिंकिंग थी, वो इम्पैक्ट कर सकती है उस केस स्टडी को.
इट इज़ डिफिकल्ट टू रेप्लीकेट पूरा डिटेल में चीज़ें सेटअप करना, यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा और एक टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है ये, क्लियर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो किसके साथ, रिसर्च के स्टडी के साथ एसोसिएटेड थी। तो ये हम लोगों ने क्या थर्ड क्वेश्चन देख लिया है, अब फोर्थ क्वेश्चन हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी 2 की डाल दी है बीच में एक, अब जो नेक्स्ट MSO 1 का कंटिन्यूशन में चल रहा था, नेक्स्ट वीडियो 1 की होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।